दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव सिर पर है, चुनावों की तैयारियां जोरों पर है और हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में लग गई है। तो दोस्तों, हम जो आज बातचीत करने वाले हैं कि फरीदाबाद से 3 बार सांसद रहे अवतार भड़ाना, 1 बार उत्तर प्रदेश मेरठ से भी सांसद रहे, उत्तर प्रदेश से विधायक भी चुने गए, लेकिन अब वो पुणे कांग्रेस में लौट आए हैं। तो उन्होंने हमसे टेलीफोनिक बातचीत में दावा किया है कि मैं अब हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति करूंगा, हरियाणा से ही चुनाव लड़ूंगा और जिस तरीके से हरियाणा में कुमारी शैलजा दलितों की बड़ी नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से जाटों के एक छत्र बड़े नेता हैं, उसी तरीके से मैं पिछड़ों का जिम्मा लेकर कांग्रेस से उन्हें जोड़ूंगा और इसमें दो राय नहीं है कि मैं कई बार सांसद चुना गया हूं, विधायक भी रहा हूं और शुरुआत में मैंने कुछ समय के लिए हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहा था जब ताऊ देवीलाल की 1987 में सरकार बनी थी। तो दोस्तों, सब जानते हैं मेरे बारे में कि मुझे समाज ने अच्छे अच्छे तमगे दिए, मुझे देश में गुजरों के इमाम से नवाजा गया और हरियाणा से बाहर जाकर मैंने चुनाव लड़े, जीते, वोट क्लब दिल्ली में जाकर लाखों की भीड़ इकट्ठी करके जनसभा की और अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। और यही नहीं, कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे पिछड़ों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, गुर्जर समाज को कांग्रेस से जोड़ने के लिए न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश तक मुझे भेजा और जो जिम्मेदारियां कांग्रेस ने पहले मुझे सौंपी थी और मेरे गुर्जर समाज ने मुझे गुर्जरों का इमाम कहा था, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कहा था, आज मैं पुणे नए सिरे से उन्हीं बातों को साबित करने में जुट गया हूं। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरह मैं पूरे प्रदेश के बल्कि प्रदेश से बाहर के पिछड़ों को भी नए सिरे से कांग्रेस को जोड़ने का काम करूंगा और यदि गांधी परिवार का आशीर्वाद और हाथ मेरे सिर पर रहा तो हरियाणा के सभी पिछड़ों को कांग्रेस की छतरी के नीचे लाकर आने वाले विधानसभा चुनावों में
कांग्रेस को जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाऊंगा और इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आगे की राजनीति के बारे में जब हमने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे हरियाणा से कहीं पर से भी विधायक का चुनाव लड़ने की सलाह दी है और टिकट देने का वादा किया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी इच्छा कहां से लड़ने की है तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और सांसद रहा हूं तो 9 विधानसभा क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं तो मैं इन 9 सीटों में से किसी से भी चुनाव लड़ सकता हूं। जब हमने जोर देकर कहा कि फिर भी आप बताइए कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ कौन सी पसंद है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपको पसंद है, तो उन्होंने दावा किया कि यदि मैं फरीदाबाद से लड़ूंगा तो NIT फरीदाबाद सीट से भी चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि यहां तो ऑलरेडी कांग्रेस के सिटिंग MLA नीरज शर्मा और वो हुड्डा जी के बहुत करीब भी है तो यहां से आपको टिकट कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा गौतम जी इन बातों को छोड़िए, कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही, हाईकमान अब वो पुराना हाईकमान नहीं रहा, राहुल जी और हाईकमान जिसको जहां से चुनाव लड़वाना चाहेंगे वहां से किसी भी नेता को चुनाव लड़ना पड़ेगा, किसी भी सीट पर परमानेंट बकौती किसी भी नेता की नहीं है। तो ये बात उन्होंने बहुत बड़ी कह दी। नीरज शर्मा सिटिंग MLA हैं और खुद वो मेहनत भी कर रहे हैं, गुड बुक में है हुड्डा जी की, तो ये बात कहना कि वो नीरज शर्मा की जगह वो चुनाव लड़ सकते हैं NIT फरीदाबाद से और उनका टिकट कट सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि ये मेरा कोई फाइनल फैसला नहीं है, बात फरीदाबाद की हो रही थी तो इसलिए मैंने ये बात कही। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरी कुछ और सीटें भी पसंदीदा सीटें हैं जिनसे यदि हाईकमान चाहेगा तो मैं उन विधानसभा क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो आने वाली जो और सीटें हैं उनके बारे में जो कह रहे हैं, उनका दावा है कि वो दक्षिण हरियाणा की मेवात की पुनाना सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ की जो सीट है नागल चौधरी नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ती है, वहां से भी मुझे टिकट मिला तो मैं वहां से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं, मुझे वहां से भी चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हकीकत तो ये है कि हाईकमान मुझे जहां से भी टिकट देगा मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और उस सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में राहुल भैया की झोली में डालूंगा। लेकिन एक बात जो हम फिर रिपीट करना चाहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया वो लिया NIT फरीदाबाद का,
जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की। तो इस पर जो है वो कैसे जीतेंगे, उनका क्या गणित है, तो इस पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि गौतम जी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40,000 गुर्जर, जिन्हें बड़गुर्जर कहते हैं या मेल मुस्लिम मतदाता है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरा वोट बैंक रहे हैं। तो 40,000 बड़गुर्जर मेवाती इस क्षेत्र में बसते हैं और इसके अलावा करीब 30,000 गुर्जर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। और जो फिलहाल जो कांग्रेस की स्थिति जो मजबूत हुई है, दलित भी बसपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ा है, बड़ी संख्या में एनआईटी में दलित समुदाय रहता है, जाट समुदाय भी इस समय हुड्डा जी के चलते या किसान आंदोलन के चलते या कई और कारणों के चलते पूरी तरीके से कमर बांधकर कांग्रेस के साथ खड़ा है। और इसके अलावा एनआईटी क्षेत्र में जो भी पंजाबी दूसरी जातियां पिछला समाज रहता है वो सब मेरे अपने हैं, उन सब से मैं दूर नहीं हूं, ना वो मुझसे दूर है, वो मुझे पहले भी वोट देते रहे हैं। यानी उनका तात्पर्य ये था कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी मेरे साथ नहीं है और यदि मैं यहां से चुनाव लड़ा तो डेफिनेटली दलित पिछड़े मुस्लिम जाट सभी बिरादरियां 36 बिरादरी मेरे साथ रहेंगी, मैं तैयारी कर रहा हूं, उनके बीच जा रहा हूं, मैंने संपर्क शुरू कर दिया है और मुझे टिकट मिला तो मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र सीट अवश्य जीतूंगा। तो दोस्तों इसमें तो दो राय नहीं है कि अवतार सिंह भड़ाना हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी के वो सेक्रेटरी भी रहे हैं और मैं पहले दोहरा चुका हूं कि उन्हें गुर्जर समाज की तरफ से गुर्जरों के इमाम की भी उपाधि मिली हुई है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि पिछड़ों के नेता के रूप में या गुर्जरों के इमाम के रूप में कांग्रेस उनका हरियाणा उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर और एमपी तक में इस्तेमाल करती रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जो अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस में शामिल होकर नई पारी खेलने जा रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं वो उन पर कितने खरे उतरते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही आपको हमको सबको पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उन्हें कांग्रेस हाईकमान किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहता है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे पर नई राजनीति के लिए। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।